आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर जिले में आज परगी विधानसभा के निवासियों ने मध्य भारत मोर्चा संगठन के अध्यक्ष सौरभ यादव एवं आशीष मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर उनके गांव के सरपंच एवं सचिव ने उनको सरकारी बैंक से लोन दिलवा दिया और लोन चुकता होने के बाद अभी भी पैसा मांग रहे हैं। इसी प्रकार से उस गाँव में अभी भी प्रधानमंत्री आवास के साथ ही विधवा पेंशन, संबल कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण जन बहुत परेशान हैं। उसी मांग को लेकर मध्य भारत मोर्चा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये बरगी विधानसभा की जनता आई हुई है यहाँ कलेक्टर महोदय के पास और ये गड़ा पिपरिया का मुद्दा है। इसमें इनके साथ बोली वाली जो वहाँ के ग्रामीण है उनके साथ एक छल हुआ है। छल ऐसा वहाँ के सरपंच सचिव द्वारा किया गया है। छल ऐसा है कि उनको प्राइवेट सरकारी बैंक से लोन दिला दिया गया मकान बनाने के नाम पे 2015-16 में। यहाँ 20-25 परिवार हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ 1-1 लाख रुपए और पिछले वो 2016 से वो लगातार वो पैसों को भर रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ के तहाँ उनका 50 जो पैसा लिया वो मूलधन जहाँ के तहाँ खड़ा हुआ है और आए दिन बैंक कर्मी आ जाते हैं, वहाँ के मैनेजर जाते हैं, आए दिन उनको प्रताड़ित करते हैं, उनके घर में ताला डाल देते हैं। बीच में कई बार उनके घर में ताला डाला गया है और उनको लोन जमा करने के लिए दबाव बनाया जाता है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ ये भी देखने आई है, इसमें कुछ विधवा भी हैं जिनको विधवा पेंशन भी मिलती है। वो पैसा भी जो उनके खाते में सरकार द्वारा डाला जाता है वो पैसा भी किस्त के नाम पे काट दिया जाता है। कुछ इसमें खाना बनाने वाली हैं जो ग्राम उसमें खाना बनाती हैं रसोईया में, उनके जो पैसा सरकार के आता है वो भी पैसा काट लिया जाता है। तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि इस तरीके का जो भ्रष्टाचार चल रहा है बरगी विधानसभा में, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो नेता हैं वो क्यों सो रहे हैं? और ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको कुछ पता नहीं है। आवास योजना के नाम पर जिनको आज सच में मकान की ज़रूरत है उनको आवास योजना मकान नहीं मिल रहे, इन्होंने कई बार फॉर्म भरे कहीं नहीं है। आज आप बताइए 2016 से बेचारे रकम भर रहे हैं और अभी तक उनकी रकम नहीं चुक पा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर माननीय कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हो, अगर इसका निराकरण 7 दिन के अंदर नहीं हुआ तो ये पूरी बहनों को लेके, इन पूरों को लेके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिस दिन जबलपुर आएंगे उनको ज्ञापन दिलवाएंगे। आशीष कृष्णा मध्यवाद। हाँ बिल्कुल, कोरोना काल के टाइम पे भी इनके पास आते थे लेकिन कोरोना के कारण ये पैसा नहीं देने पे सक्षम थे तो इनको उस टाइम छूट दे दी गई थी, लेकिन अभी कुछ महीनों से ज़्यादा बैंक द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कल भी इनके पास बैंक कर्मी पहुँचे थे और छुट्टी वाले दिन भी इनके यहाँ बैंक कर्मी जाते हैं। आशीष मिश्रा मध्य भारत मोर्चा। करते हम लोग हम आए हैं गढ़ पेपरिया से, जे मकानों की समस्या है, जे समस्या है। हम लोग लोन लिया था, हम लोग को पता नहीं था, 1 लाख बोला था हम लोग को तो ये 50,000 चुकाना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग का जे खाना बनाते हैं रसोईया में तो वो पैसा पूरा कटता, हम लोग का पेमेंट आती हम लोग की। कैसे पैसे मिले थे आपको? वो बोले थे आधे भरना पड़ेगा हम लोग को मकान बनाने के लिए। मैंने सर ये कैसा पैसा है हम लोग का, तो वो पूरा निकलते जा रहा हम लोग का, कहाँ तक दे। में परेशान भी करते आते हैं, चाहे जब बोलते पैसे दो पैसे दो। जी आपका नाम बताओ? सरिता बर्मन। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।